हमारे जो स्टीफन भाई हैं बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत मजे का गाना भी गाते हैं। I sang a song दुनिया में सब साथ हैं। So the chorus goes like this, and I have to say मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है, and I hope you will sing it with us. But it goes दुनिया में सब साथ हैं, प्यारे जब हम एक हों सब मुमकिन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान फिरोजी और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत से जो जोड़ा बैठा हुआ है, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। हमारी पाकिस्तानी बहन और हमारे अमरीकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। इनका एक स्लोगन है बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस स्लोगन इन्होंने क्यों रखा, उस पर क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, हम अपनी बहन से भी जानते हैं और अपने भाई से भी जानते हैं। वो यहाँ पर आके कितने खुश हैं और कितनी चीज़ें यहाँ पर उनके साथ अच्छी अच्छी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारी प्यारी बहन का नाम क्या है? अनुशे सईद। अनुशे सईद। और हमारे भाई का नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम स्टीफन सईद है। अरे वाह भाई, बड़े मजे से उर्दू ही बोलते हैं ये, और मजे की बात चाय भी पीते हैं यहाँ पर, ऐसे ही है। okay. आपका जो ये जो बॉर्डरलेस का जो स्लोगन है, इसका मतलब क्या है? हमारी आवाम पूछना चाहती है क्या चीज है ये बॉर्डरलेस का मतलब। जो आप पहले, मैं आवाम से ये पूछूंगी कि आप अपने आप से पूछे, जब आप सुनते हैं बॉर्डरलेस आपको क्या समझ आता है? जब आप सोचना शुरू करेंगे आपको खुद ब खुद ही आंसर्स मिलेंगे ना, कि बॉर्डरलेस है क्या, बॉर्डर या लेस, या बॉर्डर कौन सा बॉर्डर, किस तरह का बॉर्डर। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप पहले सोचना शुरू करें कि इसका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या मतलब है, मेरे लिए क्या मतलब है, मुझे क्या समझ है, तो ऑलरेडी आप बॉर्डरलेस बन जाएंगे। क्योंकि आप क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, सवाल करेंगे, अपने आप से करेंगे, दूसरों से करेंगे, और ये जब शुरू हो जाएगा ये ऑलरेडी बॉर्डरलेस मूवमेंट शुरू हो जाएगी। हमारा ये मैसेज है बॉर्डरलेस का कि सब बराबर हैं, सब एक हैं, सब एक और सब इंसानियत, सब लोग एक हैं और सब बराबर हैं। जैसे इक्वालिटी बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ये सब एक है, इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है, जहाँ कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अलग कोई अलग, ये अलग अलग और डिफरेंसेस जो हैं ये नहीं हैं, ये हमने खुद ही बनाए हैं। तो जब तक हम ये अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ये मैं पहले भी कह रही थी कि जब तक हम बात नहीं बदलेंगे तब सोच नहीं बदलेंगे, तो रवैया नहीं बदलेंगे। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बात है कि आप अपना सोच बदलें, आप अपनी बात बदलें, सोच बदलें, फिर रवैया बदलें, तो इसी से आप बॉर्डरलेस होंगी। तो ये हमारा है, और हमारा काम ये है कि एक बॉर्डरलेस एक ग्लोबल मूवमेंट है, जो कि लोकल एक्शंस, लोकल मूवमेंट्स को साथ लाना चाह रही है, यूनाइट करना चाह रही है, कनेक्ट करना चाह रही है, कि दुनिया में जितने भी अच्छी काम हैं, आवाज़ें हैं, जो दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, पाकिस्तान को बेहतर बना रहे हैं, कराची को बेहतर बना रहे हैं, उन सबको साथ ले आके लाया जाए। अब इनको सबको साथ लाया जाएगा तो आप लोगों, हम ये देखेंगे कितनी पावर है हमें, कितनी लोगों के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो चेंज ला सकते हैं, ला रहे हैं। माशाल्लाह से भाई बिल्कुल चेंज ला रहे हैं, जैसे हमारी बहन ने चेंज लेके स्टीफन भाई के साथ। स्टीफन भाई को आपने उर्दू सिखाई है, उन्होंने खुद सीखी है, क्या सीन था स्टीफन भाई, उर्दू समझ में आती है आपको? थोड़ी थोड़ी। मजे की बात बताते चले आपको कि हमारे जो स्टीफन भाई है बहुत अच्छे सिंगर भी है, बहुत मजे का गाना भी गाते हैं, और अभी इतने कोई जबरदस्त सिंगर हैं ये, इनके अब में आप शॉर्ट्स देख रहे होंगे हमारे, इसमें स्टीफन भाई किस तरीके से वो सारी चीजें प्ले भी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं और बहुत खूबसूरत गाना गा रहे हैं। वो गाना आप अपने स्टीफन भाई सुनेंगे। स्टीफन भाई, वो गाना कौन सा था लास्ट सॉन्ग जो आपने अभी सिंग किया था? I sang a song दुनिया में सब साथ हैं। This is a song that we are have it's a song about uniting the world, and we've been using it as a curriculum that is going out to schools all across Pakistan and through community organizations like this one here in Mehrgarh Space in Liari, to excite youth and people to create their own artworks, to make and their own work, their own lives, their own jobs, to make a better Pakistan, to make a better world. And so this is the meaning of the song is sab saath hum sab saath hain. It's, you know, the words are make it very clear, and this it's all about creating this
this world in which we make the best Pakistan, the best world that we can. So just like she was saying about Divarain, it's, you know, my favorite verse as a poet, the second verse says, Rukavatein Turdo, Pyar ki Avaz se Divarain Garmian Girade. So this is what it's about. If we, sab dunya, so many problems. Puri problems hai. Koi problems hai. They're all borderless. But pyar is also borderless. The only solution now are borderless solutions, because the problems are borderless. We have to have we have to have solutions that are borderless. We have to come together. This takes love. This takes music. This takes all of us saying, let's work together. So this is the. एक वाला गाना थोड़ा गा के सुना दे, थोड़ा सिंग करके सुना दे. So the chorus goes like this, and I have to say, मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है, because it's the people sing, and now already in just 3 weeks, tens of thousands of people know this song, and I hope you will sing it with us. But it goes. सब मुमकिन है सब का हम सब साथ हैं मिलजुल के हम सब साथ हैं मिलजुल के. अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान इतना बड़ा है, कराची इतना बड़ा है, आपने स्पेसिफिक लियारी क्यों चूज किया? हम एक्चुअली पूरे कराची में काम कर रहे हैं, पूरे अक्रॉस पूरे पाकिस्तान में काम करें. कराची हमारा एक सॉर्ट ऑफ लॉन्च पैड है जिसको कहते हैं. तो बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे इलाकों में हम कराची में काम कर रहे हैं. लियारी हम इस तरह आए कि हमें मेहर भट्ट घर के बारे में पता लगा, बलोच ट्विंस के बारे में पता लगा कि ये एक आवाज़ें हैं और एक एक्शन है, एक कम्युनिटी सेंटर है जो लोगों को जिनकी आवाज़ें ऊँची कर रहे हैं, जिनको साथ लेके आ रहे हैं. तो हम उनसे मिले, हमें उनके बारे में पता लगा, हम आए उनसे मिलने और हमने कहा हम आपके साथ बॉर्डरलेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपको शामिल करना चाहते हैं, बॉर्डर लोगों की आवाज़ें शामिल करना चाहते हैं. और लियारी में इतना पैशन है, इतनी इंसानियत है, इतनी ह्यूमैनिटी है और ऑलरेडी इतना काम हो रहा है तो उसको दिखाना चाहिए, कराची को दिखाना चाहिए, दुनिया को दिखाना, पाकिस्तान को दिखाना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए. इसी तरह दूसरी कॉलोनीज में, दूसरे इलाकों में, कुरंगी में, हम नॉर्थ नाजमाबाद भी जाएंगे, कुरंगी भी जाएंगे, दूसरी कॉलोनीज में भी जा चुके हैं हम, गुलशन इकबाल भी जा चुके हैं हम, जहां हम ये बहुत सारे सेंटर्स, स्कूल्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों के साथ काम कर रहे हैं और उन्हीं को मैसेज ये दे रहे हैं कि आप खुद ही ये काम करें, खुद ही ये पॉजिटिविटी, ये एक्शंस का काम करें. स्टीफन भाई, आपको लियारी स्पेशल कैसा लगा? लियारी, I mean, Lihari is, it's amazing. So, sab log Lihari. So, from the whole world are here, and such a diverse part of the population in Pakistan is here. So, for us, it's an amazing place to come and to find. Also, I think, as Anusha was saying, so many youth who want to help make a better world. They love their neighborhood. They want to change it. They want to rise above. And they are a part of this global generation that we think of as the borderless generation. They're ready to do what it takes to make things better. इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारे दोनों